सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारे चैनल पर हम हर गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, जिसमें व्यूअर इजीली डिसाइड कर पाए कि उस गाड़ी को खरीदना चाहिए या नहीं, उस पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं। उसी तरीके से आज एक ऐसी गाड़ी लेकर आए हैं जो प्यारी सबको लगती है, लेकिन लेते बहुत कम लोग हैं। ऐसे ही एक ओनर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने उस गाड़ी को ले लिया। ओनर का हम चैनल में स्वागत करते हैं, तो वेलकम टू द चैनल मिस्टर अशोक। थैंक यू पारस। तो अशोक जी मेरे एक अजीज मित्र हैं, मुझे जिम में मिलते थे, उसके बाद दोस्ती हो गई। तो अशोक जी सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बता दीजिए। मैं अशोक बरवर यहाँ पानीपत में सिविल सर्वेंट हूँ और मैं यहाँ पे एक्शन। यस, तो अशोक जी ना एक जॉब करते हैं, सरकारी एम्प्लॉय है, सरकारी और अच्छी खासी डेजिग्नेशन पे है। तो एक पढ़ा लिखा इंसान कैसे गाड़ी खरीदता है, क्यों गाड़ी खरीदता है, इनके पास सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आज जो हम गाड़ी रिव्यू करने वाले हैं वो है एमजी एस्टर। तो अशोक जी ये ले ली आपने एमजी एस्टर। मुझे लगता है एमजी वालों को आए लगभग 4-5 साल हुए इंडिया में, ठीक है ना, तो इनकी आफ्टर सेल्स का पता, ना इनकी सर्विस नेटवर्क का अच्छे से पता, और ना ही इनकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी का पता। और एस्टर भी लगभग 2019 में पहली बार आई थी, शायद 2019 में, ठीक है। तो इतनी सारी गाड़ियां होने के बावजूद ऐसी गाड़ी ले ली जो शायद महीने में पूरे इंडिया में 800-900 यूनिट्स बिकती होंगी, तो ये फैसला कैसे ले पाए, एमजी एस्टर पे कैसे गए, सबसे पहले तो मुझे यही जानना है। मैंने गाड़ियां परचेज करने से पहले मार्केट सर्वे किया, यूट्यूब चैनल सर्च किए, और गाड़ी देखते देखते मेरे को ऐसा लगा कि क्रेटा और सेल्टोस तो बहुत हो गई। हाँ, हर घर में है। हर घर में क्रेटा और सेल्टोस है। हाँ जी, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो आपको ओपन मार्केट में ना मिले। अगर इस गाड़ी को लेके आप बाहर मार्केट में जाओगे, हाँ जी, तो आपको लगेगा कि ये गाड़ी बाहर दिख नहीं रही और लोग आगे जाएंगे और वापस इस गाड़ी को देखेंगे। हाँ, ये बड़ी प्यारी बात कही आपने कि मैं भी जब से आपसे मिला हूँ ना, मैं आपसे ज्यादा इसको देख रहा हूँ। तो इसकी ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, सॉलिड है, 5-star रेटिंग है इसकी। सबसे पहले मैं इस गाड़ी पे नहीं गया, सबसे पहले मैंने स्कोडा की गाड़ी देखी, ठीक है। स्कोडा की गाड़ी देखने के बाद मैंने अपना टोयोटा की हाईराइडर देखी। हाँ जी, हाईराइडर देखी मैंने, उसको 2-3 बार टेस्ट ड्राइव किया, अपने यहाँ पे भी किया, हमारे कुलीग के पास भी एक, हाँ जी, उसको भी चेक किया, और वो अपना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल था उनके। ठीक, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड था। हाँ, उसकी एवरेज आपको पता है सबसे बहुत अच्छी। हाँ, 30-30 28-28 का क्लेम करते हैं और 20 तक आसपास, 20-22 तक आराम से सिटी में वो देती है। बिल्कुल, वो देखने के बाद हमने बाकी सारी गाड़ी देखने के बाद लास्ट में मैं जा रहा था, मैंने कहा इस गाड़ी को क्यों छोड़ा, इस गाड़ी को, इसको भी एक बार देखेंगे। जब हम मार्केट में पैसा लेके जा रहे हैं तो सारी चीज हम देखेंगे, बिल्कुल एक एक चीज हम परचेज कर देखेंगे, जो अच्छा लगेगा वही हम पैसा हम चाहे कुछ भी करें। तो ये गाड़ी मैं गया शोरूम में, गया मैंने उनको अपनी प्रायोरिटी बताई थी, पैनोरामिक सनरूफ बताई थी, अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बताया था, 360 डिग्री कैमरा बताया था मैंने, वेंटिलेटेड मैंने उसको सीट बताया था, मेरे को ये चाहिए, ये जो गाड़ी में वो मेरे को दिखा दीजिए। उन्होंने मेरे को बेस मॉडल दिखाया, मैंने कहा कि बस बेस मॉडल मेरे को नहीं चाहिए। हाँ भाई, उसके लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी इंसिस्ट किया कि आप बेस मॉडल हमारा सबसे पहले देखिए, क्योंकि बिकता ही वही है। हाँ, बिकता ही वही है। मैंने बेस मॉडल देखा और जैसे ही गाड़ी में बैठे हमने डिसाइड कर लिया कि यही गाड़ी यही लेनी है, मतलब यही तो मैंने गई। मैंने चलाते भी नहीं देखी, मैंने देख लिया, मन मेरा बन गया कि यही गाड़ी लेनी है। इसका इंटीरियर इतना बढ़िया, इतना प्यारा इंटीरियर इसका है। तो ये आपने कौन सा वेरिएंट लिया? ये इसका टॉप मॉडल है, नेचुरल जो इंजन जो आता है, एस्पिरेटेड इंजन आता है, उसमें टॉप मॉडल है, शाइवी मॉडल है, मतलब नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में आपने सबसे टॉप वेरिएंट ले लिया। कितने लाख का ऑन रोड पड़ा है ये? मेरे को पड़ा है 18,25,000 का। 18,25,000 रुपए का आपको ये पड़ा ऑन रोड? ऑन रोड। तो जैसे एमजी की कम गाड़ियां बिकती है जी, तो डिस्काउंट वगैरह मोटा दे देते हैं कि? वो डिस्काउंट उन्होंने दिया था, लेकिन कुछ जानकार भी थी और हमने डिस्काउंट उसको दिया। ठीक है, चलती है सर की। सर ने ले लिया। हाँ, बात बन गई और ले लिया डिस्काउंट। चलो, गाड़ी अच्छी दिखती है भाई, अच्छी दिखने के साथ साथ बात करें, इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आपको मिल रहा है, मैक्सिमम पावर 109 BHP और मैक्सिमम टॉर्क 144 Nm की ये निकालता है, CVT ये है। तो ये आपको ऑल ओवर हाईवे पे और लोकल में और गियर शिफ्टिंग में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, लैग है नहीं है, स्मूथ चलती है, थोड़ा सा इंजन की उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, CVT का परफॉर्मेंस बहुत प्यारा है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था।
मैं जब गाड़ी लेके आया मैंने इसको चलाया और जैसे चलाया मेरे को लैग लगा गाड़ी। अच्छा आपको लैग फील हुआ? लैग फील हुआ, लो आरपीएम पे मेरे को लैग फील हुआ, लेकिन एक हफ्ता चलाने के बाद मेरे को पता चला कि गाड़ी को कैसे चलाना है। अच्छा, ऑटोमेटिक इससे पहले मैंने चलाई नहीं थी और जैसे मेरे को पता चला उसके बाद मेरे को इसमें कोई लैग नहीं। ठीक है, मतलब आप स्मूथली अब छोड़ते हो, एक्सीलरेशन को स्मूथली उठाते हो। बिल्कुल, ये करने के बाद स्मूथ इसमें इस गाड़ी में कोई जर्क नहीं है। ठीक है, बहुत ही प्यारा ट्रांसमिशन है। आप कितनी ही रेस आपको दबा, ये अपने हिसाब से ही गाड़ी अपनी स्पीड उठाएगी। ठीक है, और बड़े प्यार से उठाएगी। ठीक है, चलो कहने वाला सेटिस्फाई मैं इसके ट्रांसमिशन से और इंजन से। चलो, एक चीज से इंडियन कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं होता, वो होती है माइलेज। अब माइलेज का बताओ कि वो क्या देती है आपको ये माइलेज की। लोकल अगर हम यूज करते हैं तो 8 से 10 के बीच में माइलेज देती है। 8 से 10 की पेट्रोल में माइलेज? मेरे को 2 किलोमीटर का मेरा नॉर्मल रन रहता है। ठीक है, लोकल में 8 से 10 है, हाईवे पे मेरे को 18 का माइलेज पक्का। माइलेज निकाल जाओगे क्योंकि आप एक 80 से 90 के बीच चलने वाले इंसान हो। आप अशोक जी से जानते हैं कि इस गाड़ी की ब्रेकिंग कैसा परफॉर्म कर रही है। ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स मिल रही है जो कि सेगमेंट में अच्छी बात है। ग्रैंड विटारा भी आपको ऑल फोर डिस्क देती है, बिल्कुल, लेकिन वो ब्रेक्स इतनी बढ़िया नहीं होती। सबसे पहले मैंने इसके ब्रेक चेक किए। ठीक है, ब्रेक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, मतलब असिस्ट भी मिल जाता है और सही अपना तरीके से परफॉर्म करती है। बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। ठीक है, और कहीं पे भी ब्रेक लगाओगे वहीं गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, और जो इसका टायर साइज देख रहा हूँ, 17 इंच के इसमें अलॉय व्हील मिल रहे हैं और काफी अच्छी टायर की प्रोफाइल मिल रही है जो है 215/55R17। ये आपको क्या लगता है, थोड़े छोटे होने चाहिए थे, बड़े होने चाहिए थे, के सही लगती है ये प्रोफाइल गाड़ी के अकॉर्डिंग? तो बिल्कुल सही लगता है, लुक बहुत अच्छा आता है। लुक्स भी वैसे प्यारे लुक्स लग रहे हैं, वो मर्सिडीज वाली फीलिंग आ रही है। पता नहीं, मेरे को तो प्यारी लगती है। अब मर्सिडीज की है या किसी और की, वो तो अब तो एमजी की है हमारी। अब तो एमजी की। और अगर सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन इसके सॉफ्ट है, बहुत प्यारे हैं। अच्छा, सॉफ्ट है और आपको कोई जाते हुए लोकल में कोई गड्ढे वगैरह जैसे कि हमारी जो सड़कें जो है उसमें कुछ आपको महसूस नहीं होगा। अच्छा, मतलब सॉफ्टनेस में आपको, तो हाईवे पे कहीं बॉडी रोल आ गया सॉफ्ट की वजह से? मेरे को तो लगा नहीं अभी तक, बाकी होगा। ठीक है, मतलब आपको नहीं लगा। और इसमें ना 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, आई थिंक। हाँ, इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा कम है, लेकिन MG वालों ने क्या किया हुआ कि इसके नीचे एक प्लास्टिक की प्लेट अलग से लगाई हुई है। ठीक है, वो किसी और गाड़ी में आपको मिलेगी नहीं, उससे कुछ ग्राउंड क्लियरेंस ही कम हुई है। और अगर आप चेक करेंगे तो और किसी गाड़ी में नहीं है। ठीक, मतलब गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म साइज है उसको मापे तो ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, लेकिन एक अंडर कवर एक प्लास्टिक प्लेट लगा दी, अलग से सेफ्टी दी हुई है। ठीक है, उसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस वो आपको इस प्राइस रेंज में किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको अभी तक कोई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से दिक्कत हुई है? कोई दिक्कत नहीं, कितने भी खड्डे, बड़े प्यार से निकल जाती है गाड़ी। ठीक है, अरे इसमें तो एडास आता है, इसमें लिखा हुआ एडास, लेकिन आई थिंक लेवल 1 का एडास आता है। लेवल 2 है शायद। अच्छा, लेवल 2 आता है, इसमें लेवल 2 आता है। तो आपने आजमाया इसके एडास को? हाँ, मैंने इसको आजमाया, जैसे ही गाड़ी में लेके इसको शोरूम से चला था। हाँ, मेरे को पता नहीं कि आगे एकदम से गाड़ी ब्रेक लगा रही थी, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों ब्रेक लगा रही है। तो बाद में जब मैं शोरूम वालों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि इसका एडास जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, और वो कोलिजन से बचाने के लिए अपने आप ही ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो मतलब फिर भी खुद ही एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना पड़ता है कि ऑटो ही है इसमें? इसमें सेटिंग है, आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, आप चाहो तो मैनुअल भी कर सकते हो। मतलब कहने का आप इसके एडास से खुश हो? हाँ, खुश मेरे को कोई भाई, टार्जन द वंडर कार हो गई, अपने आप चलती है। गाड़ी के हम अंदर आ गए हैं अशोक जी की, जैसा ही इन्होंने कहा था कि गाड़ी से प्यार हो जाएगा वही हो गया। पुश बटन है, इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक है, इतना अच्छा इसका गियर नोब है कि जितना इसको देखो उतना इससे प्यार होता है। और जो ये सीट्स हैं, मैंने बैठते ही सबसे पहले सीट्स एडजस्ट करी, 18.5 लाख रुपए की रेंज में आपको पावर असिस्टेड सीट्स मिल रही है, और आपको क्या ही चाहिए, पैनारोमिक सनरूफ है, कहने का मतलब सब कुछ है। आपने तभी ये गाड़ी ली, और इंटीरियर को आप आगे से भी देख लो और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देख लो, कितना ज़्यादा प्यारा है। अब इनकी रिलायबिलिटी और की बातें करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। अब हम गाड़ी को चलाते हैं तो अशोक जी सबसे पहले बात करेंगे इसके स्टेयरिंग की। मैंने सुना है इसके स्टेयरिंग में मोड्स आते हैं। हाँ, इसके स्टेयरिंग में मोड आते हैं और आप अपनी कम्फर्ट के अकॉर्डिंग मोड सेट कर सकते हो।
ठीक है, ऑटोमेटिक, नॉर्मल और लाइट, ठीक है, हार्ड हार्ड भी आते हैं, तो वो वाकई में काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं, मोड है, बिल्कुल काम करते हैं, ठीक है। अभी इसको ऑटोमेटिक में मैंने सेट किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सॉफ्ट आपको स्टीयरिंग लगेगा, लेकिन हाईवे पे ये हार्ड हो जाते हैं। और गाड़ी के अंदर आपको इसकी एसी परफॉर्मेंस कैसी लगी? एसी परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी, सबसे पहले जब गाड़ी लेने जाने से ही पहले मैंने अपने यहाँ पे चेक करवाया था, ठीक है, और पहले मैंने एसी की परफॉर्मेंस चेक की कि इतनी महंगी गाड़ी लें, हाँ, और जिसका एसी अगर काम का ना हो तो गाड़ी लेने में कोई फायदा नहीं मेरे हिसाब से, तो वो रद्दी है। अगर आपको ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जिसका एसी काम नहीं कर रहा तो आप उसको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कितनी भी महंगी, कितनी भी महंगी गाड़ी। अगर बात करें इसकी इंफोटेनमेंट की, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आई थिंक नहीं मिलता, विद वायर है। हाँ, विद वायर, ये कमी कंपनी ने छोड़ दी है इसमें, लेकिन विद वायर है कोई बात नहीं। ऑल ओवर इसकी इंफोटेनमेंट स्पीकर की परफॉर्मेंस कैसी है? स्पीकर की परफॉर्मेंस नॉर्मल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल है, आपको ज्यादा परेशानी होगी नहीं, मतलब ओके ओके एवरेज है, ठीक है। और जो इसमें ये मिलता है, एलेक्सा है क्या है ये? एस्टर है, एस्टर है, हाँ। काम करता है ये? काम करता है, मतलब इसको कमांड दो ये सुन लेता है, सारी कमांड देते हैं सुन लेते हैं, ठीक है, कभी कभी अपनी मर्जी से भी चलता है। अच्छा, ये लैग कर जाता है? हाँ, लैग कर जाता है, हाँ, और वार्निंग सिग्नल बिल्कुल देता है, वार्निंग सिग्नल दे देता है। और एक आपने कहा था कि मुझे तो 360 डिग्री कैमरा चाहिए गाड़ी में, तो इसका 360 कैसा है चेक कर लेते हैं। देखो अशोक जी, बुरा ना माना, इसका 360 मुझे एवरेज लगा। हाँ, इसमें कैमरा इसका थोड़ा सा एवरेज है ना, वो बात नहीं है जो और गाड़ियों में मिलती है, हाँ, कहीं ना कहीं वो एवरेज है। तो MG Aster जैसी गाड़ी जो बाजार में बहुत कम अवेलेबल है और उसके बहुत ही कम इन्फोर्म्ड बायर मिलते हैं, इस बीच अशोक जी से मिलना और उनसे इस गाड़ी को समझना हमारे लिए काफी आसान बना। तो अब अशोक जी से इस वीडियो का कंक्लूजन लेते हैं ऑल ओवर, कि अशोक जी, इस गाड़ी को लेकर सुखी है या दुखी, मजा आ रहा है या सजा मिल रही है, हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे इस गाड़ी का एक ऑल ओवर कंक्लूजन, जिसमें अच्छा और बुरा दोनों आपने बताने हैं। 18 लाख रुपए में ये गाड़ी मेरे को लग्जरी मजा देती है, रिचनेस फील करवाती है, हाँ। प्रीमियम गाड़ी है, ठीक है, अंदर बैठ के आपको लग्जरी फील होता है, गाड़ी बड़े प्यार से चलती है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 18 लाख में अशोक जी को 40 लाख वाली फीलिंग मिल गई है, बिल्कुल मिल गई है। और अगर बात करें इसके नेगेटिव्स की, मोटा मोटा आप खुद ही बताइए आपको गाड़ी के नेगेटिव्स क्या क्या लगे। नेगेटिव में एक माइलेज का थोड़ा सा, हाँ, अभी 10 की माइलेज मिलती है, 10 की माइलेज मिलती है, अगर किसी को माइलेज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये गाड़ी उसके लिए बहुत बढ़िया, हाँ, या घर में सेकेंडरी गाड़ी खड़ी, सेकेंडरी गाड़ी खड़ी, बिल्कुल। उसके अलावा छोटी छोटी गाड़ी में कमियां हैं, जैसे कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी थोड़ी फर्म नहीं है, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी लो है, और एक गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत। देखो, जिस आदमी ने ये गाड़ी 15 साल तक रखनी है, ऊपर से उसकी ये प्रायोरिटी कार नहीं है, या उसके पास इतना पैसा है कि उसे माइलेज की परवाह नहीं है, खुश होके ये गाड़ी ले, बहुत अच्छी गाड़ी नहीं, है, अगर आप इसको रोड पे चलाएंगे तो माइलेज बहुत अच्छी देती है, हाँ, माइलेज भी देती है, शहर के अंदर थोड़ी सी कम देती है, लेकिन रोड के अंदर, रोड के ऊपर अच्छी, मतलब अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स और ड्राइविंग क्वालिटी अशोक जी से मैच कर सकती है, जो प्यार से गाड़ी चला सकते हैं, उनको ये गाड़ी हर तरीके से माइलेज भी दे देगी। तो अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना समय दिया, आप आए यहाँ पे, बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया। और अगर आप में से भी कोई चाहता है अपनी गाड़ी का ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू शेयर करना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट से हमें वो कॉन्टेक्ट कर सकता है, हम जरूर उसके साथ भी शूट करेंगे। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए ऐसा ऑनेस्ट कंटेंट लाते रहें, ऐसे लोगों से मिलते रहें, ज्ञान लेते रहें और आपकी तरफ ट्रांसफर करते रहें। तो थैंक यू सो मच।